हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वेजिटेबल पेस्ट, जिसके अंदर हम वेजिटेबल माइट एंड हड्डा बीटल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद वेजिटेबल माइट, जिसका साइंटिफिक नेम है टेट्राएंकस टेलारियस और बिलोंग करता है फाइलम अर्थ्रोपोडा से। इसकी क्लास एरकनिडा है और ऑर्डर एकारिनर है, जिसकी फैमिली टेट्रा एनिकिडे है। ये पूरे भारत में मिलता है। इसके होस्ट प्लांट है लेडी फिंगर, ब्रिंजल और बीन्स। देखने में ये माइन्यूट है, पॉलीफेगस पेस्ट है, जो कि लार्ज कॉलोनीज में रहता है अंडर साइड द लीव्स और कवर्ड है बाय द फाइन सिल्की फाइबर। जो मेल है वो ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है विद इन 16 to 24 days और अबाउट 15 जनरेशन पाई गई हैं एक साल के अंदर। तो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर आता है एग, लार्वा, निम्फ एंड एडल्ट। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे विद द एग। फीमेल ले करती है अराउंड 40 to 50 एग ऑन वेंट्रल साइड ऑफ लीव। ये जो एग्स हैं वो कवर्ड रहते हैं विद दी सिल्की वेब आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, विच इज़ 5 to 6 days। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब एग हैच करेंगे तो उसमें से एक लाइट ब्राउन कलर का हैविंग 3 pair legs एंड 2 red eye spots एक लार्वा बाहर निकलेगा। आफ्टर 6 to 10 days जो ये लार्वा है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रोटोनिम्फ के अंदर, जो कि रिजेंबल करेगा समवट एडल्ट। आफ्टर 3 to 5 days जो ये प्रोटोनिम्फ है इसके अंदर कुछ मोल्टिंग होगी, डेवलपमेंट होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ड्यूटो निम्फ लार्वा। ड्यूटोनिम्फ लार्वा फर्दर आफ्टर मोल्टिंग कन्वर्ट होगा इनटू एडल्ट आफ्टर द 3 to 6 days। तो जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, इसका जो कलर है और जो इसकी डेवलपमेंट है वो फुली ग्रो कर जाएगा। पॉलीफेगस एनिमल है, ये पॉलीफेगस ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनीज में रहता है अंडर साइड द लीफ और कवर्ड है विद दी सिल्की फाइबर। मेल मोर एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है 16 to 24 days में और 15 जनरेशन होती हैं एक साल के अंदर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है डैमेज। तो बोथ निम्फ एंड एडल्ट डैमेज कॉज करते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होंगे ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ लीव्स और कवर्ड होंगे विद दी सिल्की वेब। अपनी फीडिंग के कारण ये क्या करते हैं, वाइट स्पेक्स मार्क छोड़ देते हैं लीव्स के ऊपर, जिसके वजह से क्या होगा, जो लीफ है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन की बजाय वो कुछ वाइट से कलर का हो जाएगा, डिसकलर हो जाएगा और उसकी वजह से जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी। इनको कंट्रोल करने के लिए इन्फेस्टेड लीव्स को कलेक्ट करना चाहिए और डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और इन्फेस्टेड क्रॉप के ऊपर 0.1% मैबिन प्रोस या फिर 0.1% थियोनिटोन का स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट है हड्डा बीटल, जिसका साइंटिफिक नेम है एपिलेक्ना वेजिंटी ऑक्टोपंक्टेटा। बिलोंग करता है फाइलम अर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा और ये कॉलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। यहाँ से हमें पता चल गया है ये एक बीटल है और बीटल्स सारे बीटल्स आते हैं ऑर्डर कॉलियोप्टेरा के अंदर। फैमिली कॉन्सिनी लीडी है इसका। ये कुछ कुछ रिजेंबल करता है विद द लेडी बर्ड बीटल। ये इसकी फैमिली भी सेम है। वाइल्डली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन इंडिया। इसके जो होस्ट प्लांट है वो बिलोंग करते हैं सोलिनेसी फैमिली से, लाइक ब्रिंजल, पोटैटो, टमाटो, कुकरबीट्स एक्सेट्रा। देखने में ये
8 मिलीमीटर लेंथ का है और 5 to 6 मिलीमीटर इसकी विड्थ है। डीप रेड कलर का है और इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर 8 to 14 स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। जो बीटल्स हैं उसका आउटर जो विंग है या जिसे फोर विंग कहते हैं, ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लायर है, इसलिए बहुत एक दूर तक एरिया को ये इन्फेस्टेड कर देता है, ख़राब कर देता है। पॉलीफेगस है और हिबरनेट करता है विंटर में इन द हीप ऑफ लीव्स, जो ड्राई लीव्स हैं उनमें छिप जाता है और मार्च अप्रैल में बहुत एक्टिव होता है। हॉट और ड्राई कंडीशन में ये बीटल मर जाता है। इसकी लाइफ कंप्लीट, एंटायर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 18 to 25 days में समर में, और सर्दियों में अराउंड 50 days इसको लग जाते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। इसकी लाइफ साइकिल के अंदर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट इंक्लूडेड है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है, ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइफ साइकिल है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं विद एग्स। फीमेल ले करती है अराउंड 150 to 300 एग इन ग्रुप, और वो ग्रुप होता है 30 to 35 एग का। एलिप्टिकल येलो कलर के एग होते हैं जो कि अटैच्ड होंगे विद दी लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ 2 to 4 days जो ये एग्स हैं हैच कर जाते हैं और उनमें से एक ग्रब बाहर निकलता है। और ये कंडीशन जो ये ग्रब है वो 8 mm लॉन्ग होगा। ये ग्रब की कंडीशन रहेगी फॉर 2 to 9 days। आफ्टर 2 to 9 days मोल्टिंग होगी ग्रब के अंदर और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक प्यूपा के अंदर। येलो ऑरेंज कलर का प्यूपा होगा ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव। प्यूपा की कंडीशन रहेगी 2 to 10 days। आफ्टर 2 to 10 days जो ये प्यूपा है इसकी ब्रेकडाउन होगी और उसमें से एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म या एडल्ट इंसेक्ट बाहर निकलेगा जो कि डीप रेड कलर का होगा। 8 to 14 स्पॉट प्रेजेंट होंगे इसके इलेक्ट्रॉन पर और इसकी लेंथ होगी 8 मिलीमीटर, विड्थ होगी 5 to 6 मिलीमीटर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसकी लाइफ साइकिल है वे 18 to 25 days में कंप्लीट होती है समर्स में और 50 days ले लेती है इन विंटर्स। 7 to 8 generation पाए गए हैं विद इन 1 year। जिसके डैमेज है वो दोनों ग्रब एंड एडल्ट कॉज करता है। दोनों ही जो ग्रब है वो क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं अपर सरफेस ऑफ लीव को। एडल्ट एक सेमी सर्कुलर पैटर्न में लीव्स को कट करता है और लीव को ब्राउन और ड्राई बना देता है जिसकी वजह से डिफोलिएशन हो जाती है प्लांट के अंदर। इसको कंट्रोल करने के लिए एडल्ट और लार्वा दोनों को कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इरिगेशन करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन 0.02% मिथाइल पैराथियोन का स्प्रे करना चाहिए फॉर इट्स कंट्रोल एंड 0.0% डाइजिनॉन और 0.05% मेलाथियोन का स्प्रे करने से भी ये इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द वेजिटेबल पेस्ट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके जो लाइफ साइकिल के डायग्राम हैं उसी से पूरी लाइफ साइकिल समझ सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।